नमस्कार, मेरा नाम है इशिता और मैं आवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल पटियाला की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं तहे दिल से हमारे शिक्षा मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि एम्बेसडर ऑफ होप के माध्यम से हम सभी बच्चों को एक नई राह दिखी है। इस कठिन समय में हम बच्चों के मन में कई सवाल और कई ख्याल आते हैं। उन्हीं ख्यालों और उन्हीं सवालों पर रोशनी डालते हुए मैंने कविता लिखी है। उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। इसमें दो पात्र हैं केवल, बेटा और माँ। लीजिए पेश करती हूँ। माँ ये कोरोना कब जाएगा, माँ ये कोरोना कब जाएगा, और कितनी जिंदगियां ये खाएगा, माँ ये कोरोना कब जाएगा, कब मैं फिर से स्कूल जाऊंगी, पार्क में बच्चों संग खेल पाऊंगी, कब बिना डर के हाथ मिलाऊंगी, बिना मास्क पहने क्या मैं बाहर घूम पाऊंगी, और कितना ये अब हमें सताएगा, माँ ये कोरोना कब जाएगा। आज हर दरवाजे पर ताला है, गरीब के पास ना खाने को निवाला है, शांत हर मस्जिद और शिवाला है, गली में तो बस कुत्तों का बोलबाला है, ये मौत सा सन्नाटा कौन तोड़ पाएगा, माँ ये कोरोना कब जाएगा। किसको पता था ऐसा दिन भी आएगा, किसी का छूना भी जहर बन जाएगा, जिनके चले गए कौन उन्हें समझाएगा, वो लौट के ना आएंगे कौन बतलाएगा, ये जख्म क्या कभी भर पाएगा, माँ ये कोरोना कब जाएगा, माँ ये कोरोना कब जाएगा। चिंता मत करो बेटा, किसने कहा है कि ये कोरोना नहीं जाएगा, जब हम जिम्मेवार होंगे तब जाएगा, फासले रखेंगे तब मिट जाएगा, सफाई रखेंगे तब ये धुल जाएगा। इस वक्त मैं भी जाती हूँ औरों के काम आऊं, दवा अगर है कुछ दूसरों को दे आऊं, जो अभी भी ना समझ है उनको समझाऊं, बचाव करने में ही बचाव है ये बतलाऊं, वक्त बहुत कठिन है मगर टल जाएगा, मुझे यकीन है जल्द ही ये कोरोना खत्म हो जाएगा, जल्द ही ये कोरोना चला जाएगा। थैंक यू।